हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.8 कंप्लीट कर ली थी और जो एक्सरसाइज 9.9 है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको थ्री स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है इंटीग्रेशन की, जिनको वन बाय वन प्रूव भी करेंगे। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें। देखो इसमें ध्यान देने की बात है कि ये जो टर्म है ना ये डिनोमिनेटर में नहीं है। 9.4 जो एक्सरसाइज थी उसमें जो क्वेश्चन थे उसमें 1 की अपॉन में आ रही थी यही टर्म, ठीक है। तो अंतर समझना इनका, आपको ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। इन्हीं पर डिपेंडेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक बार इनको ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है इसको देखते हैं। इसको मैंने हाईलाइट किया और रूट के अंदर आ रहा है, लीनियर नहीं है, ठीक है ना, वरना चैन रूल से कर लेते। तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 1। अब u इंटू वी फॉर्म बन गई है और आईलेट से इसको सोल्व करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था इंटू कॉन्स्टेंट जो भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसको v लेट करते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर हमको मालूम होता तो 1 लेट करने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। तो ये तो u और ये v का काम करेगा। यहां पे u एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जो u था उसको डिफ्रेंशिएट करते x के रेस्पेक्ट में रूट एक्स फॉर्म में, ठीक है ना, क्या आएगा 1/2 रूट एक्स फॉर्म, 2 रूट ये जो भी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अंदर वाले का करेंगे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये टू कैंसिल इन टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसका क्या आएगा x, तो उसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आई इक्वल ये बन गया एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसके साथ ए स्क्वायर और मिल जाए तो नीचे वाली टर्म बनती दिख रही है, ठीक है, तो वही यहां पे करना है। ए स्क्वायर मैंने प्लस का लिखा, ए स्क्वायर प्लस का है ना, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस ए स्क्वायर करेंगे और नीचे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एज इट इज एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन, इसमें डिवाइड करेंगे इससे इस वाले में तो नीचे हाफ एक्सपोनेंट है और ऊपर कंप्लीट 1 है तो ऊपर हाफ बचेगा, यानी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो वापस आई बन गया, आई था ना, ठीक है, ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, टू आई, टू टाइम आई, टू आई इक्वल ये वाली टर्म एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उसको बाहर लिखा, क्या बचा dx ऊपर और नीचे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.4 में। 2i इक्वल एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और इसका क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये जो 2 है ना इससे डिवाइड कर दो तो i किसकी इक्वल आया x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी बाई टू करोगे सी आएगा, ठीक है, सी ए जो भी लेट करना चाहो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। देखो इनको याद करने के लिए आपको मैं बता दूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में किया था तो साइन इनवर्स फॉर्म बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना साइन इनवर्स में आएगा। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अपॉन में नहीं रूट के अंदर है, ठीक है ना, तो उसका इंटीग्रेशन आपको ये याद रखना है। और माइनस वाले में ध्यान रखना ए स्क्वायर अगर नेगेटिव है ना तो वो वाली टर्म नेगेटिव आएगी, ए स्क्वायर नेगेटिव है वो वाली टर्म नेगेटिव आएगी, बाकी पॉजिटिव है, चाहे एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों यहां पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये अंतर समझना। यहां पर मिस्टेक कर सकते हो प्लस माइनस में, अगर ए स्क्वायर माइनस का है ना तो उसमें माइनस आएगा बीच में, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस आएगा, इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला प्रूव हो चुका है, अब देखते हैं सेकंड वाले को।
जो सेकंड वाला है उसमें भी सेम वही प्रोसेस है, इनटू वन करेंगे इनटू वन डीएक्स, ठीक है। अब आईलेट अप्लाई करते हैं, तो ये तो यू बन गया और ये वी बन गया, यू एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा यू का, ये इनटू में है, यू का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या आएगा वन बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का करेंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का आएगा टू एक्स, ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वन है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स आएगा, वो एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन गया एक्स स्क्वायर, और ये मेन डी एक्स आई इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या जो भी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो माइनस। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, उसके साथ अगर प्लस ए स्क्वायर मिल जाए तो एक नीचे से ये रूट हट जाएगा ऊपर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है आई बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस करना है, पहले तो मैंने प्लस किया ए स्क्वायर, फिर इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने कर दिया माइनस ए स्क्वायर, और नीचे जो भी था वो एज इट इज रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब सेपरेट डिवाइड करते हैं, एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो वन एक्सपोनेंट माइनस हाफ हाफ एक्सपोनेंट, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर डीएक्स, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ए स्क्वायर को बाहर लिखा, बचा क्या ऊपर डीएक्स और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म, और ये वापस बन गया आई, ये आई नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई प्लस आई टू आई इक्वल एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और ये आ गया वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा लॉग एक्स प्लस ये वाला रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहां से आया 9.4 में कर चुके हैं वहां से, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब ये टू मल्टीप्लाई है ना, इसको बोलना मत, इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि हमको 2i नहीं i की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दो, i इक्वल x बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c बाई टू, कैपिटल c लिख लो उसको, कॉन्स्टेंट ही तो है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है तो प्लस आएगा, पॉजिटिव था ना, ये तो नेगेटिव था, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव बचा हुआ है तो ये प्लस कर लेना, करेक्शन करना, ओके। लास्ट फॉर्म्स की, इसमें सेम वही प्रोसेस इनटू वन करना है, और अब यू इनटू वी अप्लाई करेंगे, रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और वन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा एक्स, उसको लिखा मैंने माइनस इंटीग्रेशन। अब जिसको u लिखा था उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपॉन टू रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन इनटू में लिखते हैं, वो बन गया एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये टू कैंसिल। अब देखो एक्स स्क्वायर मिल गया ना, उसके साथ माइनस ए स्क्वायर और मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, i इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बना लिया मैंने, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए प्लस भी करेंगे ए स्क्वायर, और नीचे क्या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस है ऊपर टू है और ये बीच में माइनस है, शायद इक्वल दिख रहा होगा, मेरे को दिखा इसलिए मैंने लिखा। अच्छा फिर क्या करना है, सेपरेट डिवाइड, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब देखो इस वाली टर्म में इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैसे में ना एक्सपोनेंट हाफ बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा dx, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ए स्क्वायर को बाहर लिखा, बोल दिया लिखा नहीं, अब लिख दिया ए स्क्वायर ऊपर dx और नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो बन गया वापस आई, ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना इसमें, यानी टू टाइम आई इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.4 में, ठीक है, और वो क्या था लॉग एक्स प्लस रूट और ये रूट वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब ये जो 2i है ना, यहां से 2 को हटाना है, ठीक है, i इक्वल 2 से डिवाइड करते हैं, x बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कैपिटल C, ये इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 9.9 पर जो थ्री थ्योरम मैंने बताई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्टिव मेथड से कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद आपको जो भी बीच में राम कहानी लिखेंगे इसमें वो आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। देखो तो ये जो भी है ना इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा, तो ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, इसको ए स्क्वायर बनाओ, कैसे, इसको लिख सकते हैं ना थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पे ए तो आ गया थ्री और एक्स एक्स ही है, ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अभी क्या था ना प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्म में आपको इंटीग्रेट करके लिखना है, ठीक है। हेयर बता दो अब इसको ए क्या है, ठीक है, ए इक्वल थ्री और एक्स तो एक्स ही है और x x ही रखेंगे, ठीक है, यहां पे जो भी उठपटांग आएगा ना कोफिशेंट उसको बार कर देंगे, बार कर देंगे मतलब कॉमन ले लेंगे, तो a इक्वल थ्री है ना, अब a की वैल्यू थ्री यहां पे पुट करते चलो, सो रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर यही आएगा नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर 9 बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए क्या है थ्री प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोफिशिएंट दे दिया, अब की बार 25 और मैंने आपको बताया था कि ये जो 25 है ना इसको कोशिश करोगे आप रूट से बाहर निकाल दो, अगर नहीं निकले तो रूट के साथ आ जाएगा लेकिन बाहर तो निकालना है, ठीक है, यहां पर जो 25 है ना उसको पहले कॉमन ले लो, पहले मैं अंदर कॉमन ले रहा हूं 25, तो क्या बचा 16 बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म, ठीक है। अब ये रूट 25 इंटू रूट यही तो है ना, और रूट 25 मतलब 5, 12 आएगा तो 5 बन के आ गया 5 और रूट के अंदर 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर, इसको लिखा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये कौन सी फॉर्म आ गई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, तो वो जो राम कहानी वो आपको लिखना है, वी नो दैट फलाना दिखड़ा जो भी है। अच्छा अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इसको आइलेट कर लेते हैं, बार बार इतने बड़े को कौन लिखेगा, सो आई इक्वल 5 टाइम, ठीक है, एक्स बाई टू और रूट ये वाला, और ये वाला क्या है, ये वाला है 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 25, तो वो रूट से बाहर आएगा तो 5 बन के आएगा, यानी अपॉन 5, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको तो ये वाली टर्म आएगी, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, अरे ए स्क्वायर, ए क्या है यहां पे, ए यहां पे है 4 अपॉन 5 और उसका स्क्वायर क्या आएगा 16 अपॉन 25 और उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 अपॉन 25, अपॉन वाला 2 ऊपर वाले 16 को a टाइम कैंसिल करेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स अपॉन ए मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है x के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी 5x अपॉन 4 और प्लस सी, उसको बाहर लिखो, ठीक है। अब इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इक्वल 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कैंसिल, x बाई टू रूट 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल 8 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 4 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इस थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ अब की बार कोफिशिएंट 16 आ गया है, सेम वही प्रोसेस जैसे सेकंड को क्या था, लेकिन उसमें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म थी, यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है, तो ये लॉग वाले में आएगा ना कि साइन इनवर्स में। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा,
चलो इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। आई इक्वल, ये जो 16 है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, इसको बार कर दो, और जैसे मैं इसको कॉमन लूंगा रूट के अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 है 16 बचेगा ना, और जो कॉमन ले रखा मैंने 16 रूट के अंदर वो 12 आएगा, तो 4 बन के आएगा, यानी 4 टाइम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 16, उसको मैंने लिखा 5/4 होल स्क्वायर dx, ओके। अब ये फॉर्म आ चुकी है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वी नो दैट वगैरह जो भी आप जानते हो वो लिख देना, a लिख देना क्या है, उसके बाद क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, i इक्वल 4 एज इट इज x बाय 2 और रूट के अंदर वाला, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिखना है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है 25 अपॉन 16 है, ठीक है, तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये रूट के अंदर, और रूट के अंदर इसका एलसीएम 16 जो कि बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 16, उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25 अपॉन 32, और क्या आएगा लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर ये जो भी है, और इसका सॉल्यूशन यही तो है ना, तो ये एज इट इज मैं यहां पे लिख रहा हूं 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 रूट के अंदर है और अपॉन 4 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आई इक्वल एक्स बाई 2, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, रूट के अंदर बचा हुआ है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस ये 4 इससे कैंसिल होगा तो बचेगा 25 अपॉन 8 और लॉग, हाँ अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं ना, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा 4x प्लस रूट 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 4 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ठीक है। ये 4 चाहो तो आप इसको अंदर लिख सकते हो प्लस सी को, 4 इंटू सी क्या आएगा कॉन्स्टेंट ही तो है, उसको सी लिख लो, ए लिख लो, जो भी लिखना चाहो। अच्छा अब देखो, एक तो आप यहां तक छोड़ना चाहो करेक्ट है, ठीक है, और अगर आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, कैसे करोगे, जैसे 9.4 में किए थे क्वेश्चन वैसे ही करने इनको भी, वो कैसे, ये अपॉन से 4 एलिमिनेट करना है, और वो कैसे होगा लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग एम बाई एन फॉर्म है ना, देख लो एक बार कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि उसका जो आंसर आएगा ऑप्शन आएंगे उसमें अपॉन 4 नहीं मिलेगा, और किसी में अपॉन 4 मिलेगा तो प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, आप उस 4 वाले को कर दोगे, या फिर आप वो देखोगे कि इसमें तो अपॉन 4 आ नहीं रहा, मेरा अपॉन 4 आ रहा है तो ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको आगे भी सोल्व करना होगा। 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 अपॉन 8, अब देखो ये क्या है, लॉग एम बाई एन है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम, एम मतलब 4x प्लस रूट 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये लिखा मैंने, ये एज इट इज लॉग एम, अब लिखूंगा माइनस लॉग एन, माइनस ये इसके साथ भी है लॉग 4, ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस सी प्लस सी, आई इक्वल एक्स बाई 2 रूट 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 अपॉन 8 लॉग 4x प्लस रूट 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, और मैंने लिखा प्लस कैपिटल C या A B जो भी है कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्यों, ये क्या है, ये पूरी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, ये भी कॉन्स्टेंट है, दोनों कॉन्स्टेंट सोल्व होके प्लस माइनस जो भी है सोल्व होके एक नया कॉन्स्टेंट बना लेंगे, जिसको मैंने कैपिटल A लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो, वरना यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी कोई गलत करने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें अब की बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म दिख रही होगी, यहां पे ए स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस केस में जो बीच वाली टर्म है वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहला काम तो क्या रहेगा, इसको हाईलाइट करना, लेट आई इक्वल रूट 16 माइनस एक्स 16 एक्स स्क्वायर माइनस 49 डी एक्स, फिर ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है ना इसको आप बार कर दो, ठीक है, यानी कॉमन ले लो 16 और वो बार आएगा तो क्या बन के आएगा, 4 बन के आएगा, 4 इंटीग्रेशन रूट 4 कॉमन लिया अंदर से, मतलब अंदर 16 है, ठीक है, तो यहां पे
एक्स स्क्वायर और यहां पे 49/16 यानी 7/4 होल स्क्वायर dx. अब वी नो दैट वगैरह आपके लिए आगे मैं कर रहा हूं. I इक्वल एक्स बाई टू, ये 4 एज इट इज, एक्स बाई टू रूट और इसका सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 4x² - 49/4. सॉल्व करोगे तो ये आएगा ना, एलसीएम क्या है 16 है ना, तो 16 करो इसको, 4 कर दिया मैंने, 16x² - 49/16 और वो 16 बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा रूट से बाहर. फिर क्या करना है, देखो ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस लिखोगे, ए स्क्वायर बाई टू मतलब इसका स्क्वायर करो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 49/16 × 32 और किस में आएगा, लॉग में आएगा, लॉग एक्स प्लस इसका सॉल्यूशन ये वाला 16x² - 49/4 प्लस सी. अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से ये 4 कैंसिल, एक्स बाई टू रूट 16x² - 49 और माइनस ये 4 इससे कैंसिल आउट, 49/8 लॉग एलसीएम ले लो, 4x प्लस रूट 16x² - 49/4 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन. चाहो तो आप आगे पिछले पार्ट की तरह कर सकते हो. ठीक है, यहां तक ठीक है, तो बस ठीक ही है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. और ये जो पार्ट है इसको पहले तमीज से लिखना होगा, सोल्व करेंगे इसको पहले. लेट आई इक्वल एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 × 60 यानी 60 − x² रूट के अंदर, और बचा क्या, अपॉन 12 बचा रूट के अंदर, उसको मैंने बाहर लिख दिया 1/√12 dx. ठीक है, आई इक्वल 1/√12 और इसको क्या लिखें, किसका स्क्वायर है ये, 15 × 4 = 2 यानी 2√15 का स्क्वायर. ठीक है, −x² dx. अब ये आ गया a² - x² फॉर्म, साइन इनवर्स वाली, 1/√12 एज इट इज और मल्टीप्लाई में करेंगे क्या, x/2 और रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर क्या है 60 − x² है और प्लस a² / 2, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो 60/2 a² / 2 साइन इनवर्स x/a, a क्या है 2√15 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x/√12 और रूट के अंदर 60 − x² प्लस ये 2 इससे कैंसिल 30/√12 साइन इनवर्स x/√15 प्लस सी x/√12 √60 − x² प्लस. अब ये जो है ना इसको क्या लिखें, √12 क्या है, √12 है 2√3. ठीक है, और ये क्या है, ये है √2 × √2 × √3 × √3 × √5 ये है ना, 3 × 6 = 6 × 5 = 30 एक बार हो रहेगा √5 और साइन इनवर्स x/√15 प्लस सी, ये कैंसिल और नीचे बचेगा √2, एक √2 भी कैंसिल. वैसे इसकी जरूरत है तो नहीं, यहां तक छोड़ दो तो भी ठीक है, चलो इतना कर दिया तो x/√12 √60 − x² प्लस एक √2 इससे कैंसिल हो गया. हाँ ये क्या बन गया, 2 ही बन गया, √2 √2 कैंसिल ही हो गया, यानी यहां से आया 5√3 और साइन इनवर्स x/√15 प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड,
और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 आ रही है, तो इसको स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लेट आई इक्वल एक्स इंटू रूट, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये क्या वन स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को अगर टी सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर ये सॉरी आगे वाला मिल रहा है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, 2x dx इक्वल dt, तो x dx आया 1 बाई टू dt, i इक्वल 1 बाई टू x dx के बदले 1 बाई टू dt, और रूट के अंदर क्या बचा t स्क्वायर माइनस 1, 1 मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे किस फॉर्म में, t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म में, i इक्वल 1 बाई टू एज इट इज, t बाई टू रूट t स्क्वायर माइनस 1, हाँ यहाँ पे देखो a नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, a स्क्वायर बाई टू यानी 1 बाई टू, और log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब जहाँ पे t है ना वहाँ पे x स्क्वायर पुट कर दो और 1 बाई टू से साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू टू 4, x स्क्वायर बाई 4 रूट x 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 log एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स फोर माइनस वन प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, इसका सॉल्यूशन। जो पार्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अब की बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो दिक्कत नहीं करेगा। देखो अगर अंदर वाले साइन को अगर मैं टी लेट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स मिलेगा जो कि यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। बस तो बन गया काम, लेट इसको आई लेट कर लो, आई इक्वल कोस एक्स रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, लेट sin x इक्वल t, cos x dx इक्वल dt, यानी इतने के बदले dt पुट करने है, i इक्वल रूट 9 माइनस 9 क्या 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, इसको t एज्यूम किया था ना, और dt, अब ये आ गया रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्म, साइन इनवर्स में आएगी, i इक्वल x बाई टू मतलब t बाई टू रूट 9 माइनस टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 9 बाई टू साइन इनवर्स टी बाई थ्री प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब जहां पे टी है ना वहां पे साइन एक्स पुट कर दो, आई इक्वल 1 बाई टू साइन एक्स रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 बाई टू साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन थ्री और प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन। चाहो तो आप 1 बाई टू कॉमन ले सकते हो, बस इतना ही काफी है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यहां पे देखो लॉग एक्स को अगर मैं टी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स जो कि यहां पे भी है मिल रहे हैं, लेट लॉग एक्स इक्वल टी, डिफरेंशिएट करो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, इसको आइलेट कर लेते हैं, i इक्वल रूट के अंदर 9 मतलब 3 स्क्वायर प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट किया तो t स्क्वायर और अपॉन x dx के बदले आ गया dt, अब ये आ गया रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्म, i इक्वल x by 2 मतलब t by 2 रूट ये वाला यानी 9 प्लस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 और किस में आएगा लॉग में आएगा लॉग टी प्लस रूट 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, यहां पे टी है वहां पे लॉग एक्स पुट करते हैं, आई इक्वल 1 बाई टू लॉग एक्स रूट 9 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 बाई टू लॉग जहां पे टी है वहां पे लॉग एक्स पुट करते हैं लॉग एक्स प्लस रूट 9 प्लस log x होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।